आज के समय से करीब 66 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी से 6.2 मील चौड़ा एक एस्ट्रॉयड टकराता है। पृथ्वी के जिस हिस्से से ये एस्ट्रॉयड टकराता है उसे आज हम मैक्सिको के नाम से जानते हैं। ये टक्कर इतना ज़बरदस्त था जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी ने अपना द्रव्यमान का कुछ हिस्सा खो दिया। इस टकराव की प्रचंड ज्वाला ने उसी समय करीब पृथ्वी की 75% से ज़्यादा डायनासोर की आबादी को नष्ट कर दिया था, और जो डायनासोर्स बच गए थे वो धीरे धीरे संसाधनों के अभाव में विलुप्त होते चले गए, और हमारी पृथ्वी से धीरे धीरे जीवन का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अफसोस की बात है कि हम डायनासोर्स को नहीं बचा पाए, लेकिन भविष्य में ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड जो हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, भले ही हम इंसान उस समय पर धरती पर ना हो जिस वजह से डायनासोर्स का खात्मा हो गया, लेकिन हम इसी तरह से एक और एस्ट्रॉयड के टक्कर से पूरी मानव जाति को खत्म होते नहीं देख सकते। हमारी इसी समस्या को देखते हुए भविष्य में ऐसा कोई भी घटना ना हो, इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोजी है जिसकी मदद से हम पृथ्वी पर आने वाले हर विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। आखिर ये तकनीक है क्या और कैसे काम करती है? किस तरह से वैज्ञानिक भविष्य में पृथ्वी से टकराने वाले एस्ट्रॉयड को रोक पाएंगे? ये बात है साल 2022 की, जब नासा के वैज्ञानिकों ने मिलकर डार्ट मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहे एस्ट्रॉयड डिमोफोर्स के टकराव को रोकना। नासा के वैज्ञानिकों का मानना था अगर वे इस मिशन में सफल हो जाते हैं, यानी कि वे एस्ट्रॉयड के टक्कर से पृथ्वी को बचा पाते हैं, तब वे एक ऐसी तकनीक को खोज पाएंगे जिसकी मदद से हम न सिर्फ इस एस्ट्रॉयड को बल्कि भविष्य में आने वाली हर वे बड़े एस्ट्रॉयड के टक्कर से पृथ्वी को बचा पाएंगे। बेशक इस घटना का हमें इसलिए नहीं पता चल पाया था क्योंकि नासा के वैज्ञानिक इस मिशन में सफल हो गए थे और ये एस्ट्रॉयड भी पृथ्वी से टकराते टकराते रह गया था, जिसकी वजह से ना तो कोई तबाही आई थी और ना ही हमें इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाई थी। बेशक आप सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा, आखिर ये डॉट मिशन था क्या और नासा के वैज्ञानिक किस तरह से एस्ट्रॉयड के टक्कर से पृथ्वी को बचा पाए? इसके लिए हमें सबसे पहले डॉट के असल मीनिंग को समझना होगा। डॉट, जिसका पूरा नाम होता है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसका मतलब होता है एस्ट्रॉयड की टक्कर से उसकी दिशा को बदलना। दरअसल स्पेस में वैक्यूम होने के कारण यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता, जिस वजह से जो भी वस्तु स्पेस में जिस स्पीड से जिस दिशा में ट्रैवल कर रहा है वो लगातार टाइम के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, और इसकी दिशा को बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के चेंज करना नामुमकिन है। डार्ट मिशन के द्वारा वैज्ञानिक इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए किसी भी एस्ट्रॉयड के दिशा को बदलने वाले हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने 2022 के डॉट मिशन के दौरान स्पेस स्टेशन से एक मिसाइल को एस्ट्रॉयड की तरफ लॉन्च किया था, और एस्ट्रॉयड से जैसे ही मिसाइल की टक्कर हुई एस्ट्रॉयड का डायरेक्शन चेंज हो गया और वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के बगल से निकल गया। हालांकि ये एस्ट्रॉयड साइज में काफ़ी छोटा था जिस वजह से एक छोटे से मिसाइल के टक्कर से भी इसकी दिशा को बदल दिया गया। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर भविष्य में कभी माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो क्या वैज्ञानिक इस डार्ट मिशन के द्वारा उस एस्ट्रॉयड को रोक पाएंगे? यहाँ पर हमारा फिजिक्स कहता है स्पेस में मास से ज़्यादा स्पीड मेजर करता है, और जहाँ तक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू mc², जिससे हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से अगर हम मिसाइल की स्पीड को बढ़ा दें तो एक छोटा मिसाइल भी किसी बड़े एस्ट्रॉयड के भी टक्कर से उसकी दिशा को बदल सकता है। यही एक वजह है जिससे वैज्ञानिकों ने मानव जाति को किसी बड़े एस्ट्रॉयड के टक्कर से बचाने का दावा किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।